हमारे यहां सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जिस व्यक्ति की बहुत विशिष्ट सेवाएं देखी जाती हैं। तो आज जो गोष्ठी है, इस गोष्ठी में उपस्थित जन है नौजवान से किया, डॉक्यूमेंट्री है लगभग 15 मिनट। जहां जैसे ही टेक ऑफ किया, उसके असंभव से लेकर संभव तक का सफर, संकल्प हमारा मोदी जी का। क्या मुद्दे रखे गए इस पूरे मामले? इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई और उसमें उन सभी कार्यों को प्रदर्शित करने का काम किया। अरे कार्यक्रम के आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सीधा सीधा मैंने बताया कि हमारे अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनजन तक पहुंचाना हमारा काम है और उसी श्रृंखला में ये आज शुरुआत की है और इस विधानसभा को 4 क्षेत्रों में मैंने बांटा है। तो आज पहला है मोहनगर जोन की गोष्ठी थी, इसके बाद वसुंधरा जोन में होगी, फिर खोड़ा जोन में होगी, फिर नंदग्राम जोन में होगी, 4 जोन में इसको चुनाव को फिर नीचे वार्ड स्तर तक लेकर के जाएंगे। चुनाव को देखकर जनता के बीच में जाने का भी, जनता के बीच में तो हम हर रोज हैं, हर वक्त यही बताने के लिए हमें आज के कार्यक्रम का महत्व तो यहाँ बताया गया कि मोदी जी फिर से एक बार देश की आवश्यकता है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान और विश्व में भारत का झंडा फहराने के लिए आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने और इसके लिए आज की यह गोष्ठी आयोजित की गई और हम समझते हैं कि इस पर लोग 100 नहीं 1000% लोग सहमत हैं कि मोदी जी ही, मोदी और सिर्फ मोदी ही देश के प्रधानमंत्री। विपक्ष भी दम भर रहा है काफी मजबूत है, न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आज आए, ये बहुत देखा है इन लोग, इनको भी देखा है उनको। टिकट बंटवारे में कब तक सहमति बन जाएगी? 2019 में बहुत सहमत मोदी का नाम जी, ये सब लोग कहीं कमर तक नहीं था, इसलिए 1000% प्रधानमंत्री बने और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बजट आया है वो सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वव्यापी है और 2/3 बहुमत से बेहतर बहुमत वाला है। व्हाट मोर यू वांट? कब तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, कब तक चर्चा होगी, इसको लेकर समय कम बचा है? ये तो संसदीय बोर्ड का तय करेगा, जल्दी से जल्दी। सर खासकर गाजियाबाद में पार्षद और बीजेपी के जो कार्यकर्ता, वो अधिकारियों से बहुत नाराज थे, अधिकारी सुनते नहीं, इसको लेकर के क्या कहें? कभी अधिकारियों को कुछ पाठ पढ़ाएंगे कि सभी की सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, सभी का मान सम्मान रखा जाए? सभी का मान सम्मान रखें, विशेष रूप से रहे, ये हमारी कोशिश होगी और हम इसके लिए आपने ध्यान आकर्षित किया, हम उसके प्रयास में।